दिस इज चंगू लेक. यस. Hello, Namaste, Assalamu Alaikum. How are you guys doing? Hope you guys are doing great. Hi, I am Abhi Abdullah and welcome to my channel. आज एक नया दिन है. हम लोग हैं अभी गैंगटॉक में और अभी का टेम्परेचर हो रहा है 9 degrees और हम लोग आज निकल रहे हैं चांगू वैली के लिए. तो मैं तो रेडी हूँ, होटल के नीचे वेट कर रहा हूँ. ये हमारा होटल है, होटल नॉर्बू गांग. हम लोग को अभी यहाँ से वज्रा स्टैंड जाना है, टैक्सी स्टैंड, वज्रा टैक्सी स्टैंड. और वज्रा टैक्सी स्टैंड से हमारी शेयर्ड कैब वेट कर रही है. शेयर्ड कैब में बैठेंगे और फिर वहाँ से निकल जाएंगे आज चांगू लेक के लिए. चांगू लेक इज़ ऑल्सो नोन एज सोमगो लेक. वहाँ आज का हमारा डे ट्रिप है, वो करके हम लोग शाम तक वापस आ जाएंगे. तो आज हम आपको दिखाते हैं चांगू लेक. तो सारा डिटेल दे दूँगा. अगर आप पहले से प्री प्लान बुकिंग करके आते हो तो ठीक है, आपके लिए अच्छा है. मगर आप गैंगटॉक आके भी उसे बुक कर सकते हो. हमने पहले से कुछ प्लान नहीं किया था. पता था कि हमको यहाँ अच्छा ट्रिप, अच्छा कॉस्टिंग मिल जाएगा, अच्छा प्लान, टूर प्लान का अच्छा कॉस्ट मिल जाएगा. तो हमें यहाँ होटल से ही मिल गया. हम पे कर रहे हैं 600 rupees पर पर्सन इन अ शेयर्ड कैब जो हमें चांगू लेक का पूरा ट्रिप करवा देगा. तो 600 इज़ नॉट अ बैड डील, वेरी गुड प्राइस. तो यह आज चांगू लेक घूमते हैं, आपको दिखाते हैं. तो भैया हम लोग वज्रा टैक्सी स्टैंड पहुंच चुके हैं. ये है वज्रा टैक्सी स्टैंड हमारे पीछे. तो अभी हमने ड्राइवर से बात की तो उसने कहा कि आपको अंडरग्राउंड आना है, वहाँ हमारी टैक्सी खड़ी है. तो अभी हम लोग जाएंगे नीचे अंडरग्राउंड में और टैक्सी वाले से मिलेंगे और फिर हम लोग निकलेंगे चांगू लेक के लिए. तो भैया टैक्सी स्टैंड में आके बैठे हुए हैं और अभी तक दो लोग नहीं आए, तो जस्ट वेटिंग कि कब निकले यहाँ से. इट्स 8:48 और 8 बजे हम लोग का टैक्सी छूटने का बात था. हम लोग ऑलरेडी टैक्सी आके रेडी है, बाकी सब लोग आ गए, हम लोग भी बैठ के रेडी है. हम लोग ने वेट करते करते चाय भी पी लिया और बस वेट कर रहे हैं कि कब बाकी के दो लोग आएंगे और हम लोग यहाँ से निकलेंगे. ये भी परेशान है, इसके पास नंबर तो नहीं है. इसके भी ये भी परेशान है कि दो लोग अभी तक नहीं आए, हमको निकलना है, लेट हो रहा है. क्योंकि परमिट एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, उसके बाद गेट्स बंद हो जाते हैं या ऐसे कुछ होता है. टाइम पे निकलना होता है, टाइम पे वापस भी आना पड़ता है. सारा दिन का एक टूर है, एक प्लान होता है, एक प्रॉपर टाइमिंग होती है. तो या लेट्स सी. के भएको बाइक गर्नु भनेको थियो, भागेको है. Thank you.
तो ये हम लोग अभी चांगू लेक जा रहे थे. चांगू लेक जाने के बीच में एक व्यू पॉइंट पड़ा, तो हम लोग ये व्यू पॉइंट में रुक के ये नज़ारा देख रहे हैं. ये नज़ारा चेक करिए, हम लोग हैं अभी कंचनजंगा का व्यू पॉइंट में. तो ये भैया हमारे साथ है. भैया आपका नाम क्या है? निकोलस. निकोलस हमारे ड्राइवर जी है निकोलस. तो ये हमें सारा चांगू लेक तक पूरा दिखाएंगे टूर गाइड. हाँ, ही इज़ द गाइड. ये हमें पूरा दिखाएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम. व्यू पॉइंट्स में भी रोक रहे हैं. और चलिए, ये व्यू पॉइंट है, कैसा लग रहा है देखो. चलिए यहाँ से अब निकलने का वक्त आ गया है. हम लोग यहाँ से निकलेंगे, अब आगे बढ़ेंगे और चलते हैं फिर. तो भैया हम लोग अभी व्यू पॉइंट क्रॉस करके और आगे आ गए हैं. और हम लोग अभी छोटे से रिमोट विलेज में रुके हैं. यहाँ पे थोड़ा सा दुकान वकान है बना हुआ, बहुत ही अच्छा व्यू है, नज़ारा आप चेक करो. और ये जस्ट एक आर्मी कैंप है, बीआरओ का आर्मी कैंप. तो यहाँ एक बीआरओ का आर्मी कैंप है, बस उसको क्रॉस करते ही ये छोटा सा विलेज टाइप का बना हुआ, थोड़ा सा इनहेबिटेंट है. यहाँ पे शॉप्स वॉप से गर्म कपड़े यहाँ पे रेंट में मिलते हैं. अगर आपके पास मोटा जैकेट नहीं है, क्योंकि ऊपर काफ़ी ठंडा है, तो अगर आपके पास मोटा जैकेट नहीं है तो आप यहाँ से रेंट कर सकते हैं. 100 रुपया रेंट का लेता है एक जैकेट का, 100 रुपया रेंट लेता है. ग्लव्स व्लव्स आपको मिल जाते हैं. तो अगर आपके पास ठंडे कपड़े नहीं है तो आप यहाँ से ले सकते हो. मैंने तो पूरा मोटा कपड़ा पहना हुआ है. अब मुझे भूख लग रही, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, हमने सिर्फ चाय पिया था. तो यहाँ पे एक स्टॉल है जहाँ पे हमने ड्राइवर निकोलस, हमारे गाइड निकोलस ने रोका है. तो वहाँ पे हम लोगों ने मैगी ऑर्डर किया. आफरीन अंदर बैठी हुई है. और यहाँ पे वॉशरूम का भी अरेंजमेंट्स है, तो ऊपर कुछ तो मिलता नहीं है. तो जो भी आपको करना है यहीं करके जाना होगा. तो भैया यहाँ कुछ बाइकर्स भी आए हैं. देखिए बाइकर्स लोग के लिए भी बहुत ही अच्छा जगह है यहाँ राइड करने का. तो मेरा नेक्स्ट ट्रिप तो यहीं पे होगा फॉर श्योर. मेरी बाइक आ रही है अभी, जस्ट कैलकटा जाऊंगा और मेरी बाइक की डिलीवरी है. कौन सी बाइक ले रहे हैं आपको तो पता है, अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे हैं. अगर नहीं पता है तो भैया एक सीक्रेट है, चलिए आपको सरप्राइज़ करेंगे. मेरी नई बाइक कौन सी आ रही है. भैया हम लोग पहुंच गए हैं चांगू लेक. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सोंगो लेक. और याक की पॉटी रखी हुई है तो बच के चलना होगा. ये लेक पीछे आप देख रहे हो पूरा फ्रोजन है, पूरा फ्रोजन है, मतलब एकदम बर्फ़ से जमा हुआ पीछे वाला पार्ट है, थोड़ा सा जो अभी भी फ्रोजन नहीं है. हम लोग अभी ब्रिज क्रॉस करके उस तरफ जाएंगे, वो वाले कॉर्नर पर. तो चलिए आपको दिखाते हैं चांगू लेक. यहाँ पे चांगू लेक आने का एंट्री टिकट लिया है 10 रुपये पर पर्सन. हम लोग शेयरिंग कैब में आए थे और बीच में हम लोग कुछ पॉइंट्स पे रुके.
और अभी हम लोग चांगू लेक पहुँच गए हैं। यहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क नहीं पकड़ता है, तो आप अपना कैमरा वैमरा सब चार्ज वार्ज करके लेके आएँ, फ़ोन को भी चार्ज करके लेके आएँ। और यहाँ पे याक राइड भी होती है, सिंस ये मिलिट्री एरिया है तो यहाँ आप ड्रोन्स नहीं उड़ा सकते। यहाँ बड़ा सा बिलबोर्ड बना हुआ है, बिलबोर्ड यहाँ बड़ा बड़ा बिलबोर्ड साफ क्लियरली लिखा हुआ है कि आप यहाँ ड्रोन नहीं उड़ा सकते। ब्लैक आइस है तो बहुत केयरफुली चलना है, बर्फ से ढका है, बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे, एंड ये पूरा लेक फ्रोजन है। हम थोड़ा आगे अंदर की तरफ जा रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग जगह है फोटोज वोटोज खींचने के लिए, इंस्टाग्राम के लिए बहुत ही अमेजिंग जगह थी। इसको देखो, बर्फ तोड़ रही है, लेवर का काम करना है, बर्फ तोड़ना है। बहुत ही अमेजिंग सीनरी है, आगे का व्यू ना बहुत ही अमेजिंग है, चेक करो। अगर आपको कभी बर्फ तोड़ने का काम के लिए कोई आदमी चाहिए होगा तो आफरीन को लेके चले आना। काफी धूप निकली है इसलिए ज्यादा ठंड नहीं लग रहा है। पहले वो कॉर्नर में चलते ना, ये वाला टिप पे चलते पहले। तो भैया ये है तो बेहद मशहूर चांगू लेक। इसके बाद गाड़ी ऊपर जाएगी, और ऊपर जाएगी तो ऊपर और ज़्यादा बर्फ मिलेगा। वहाँ हम लोग बाबा मंदिर की तरफ जाएंगे, पहले चांगू लेक एक्सप्लोर कर लेते हैं। वो वाला टिप में जाना है हम लोग को, जहाँ एकदम पानी से हम लोग एकदम करीब रहेंगे। एंड दिस इज़ फ्रोजन, पूरा लेक इज़ फ्रोजन, ओनली दिस पार्ट आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊँगा, वो फ्रोजन नहीं है। ये भाई भी हमारे साथ आए हैं, कहाँ हो गया, देखना हो गया, कहाँ तक गए, पूरा तक, पूरा टिप तक गए। हाँ चलो चलो, कितना टाइम लगेगा जाने में, 5 मिनट में तो हाँ चलो। ये देखो ये वाला पानी अभी तक, तो हम लोग ये चांगू लेक के एकदम टिप में पहुंच चुके हैं। मैं व्लॉग कर रही हूं। बोलो हेलो नमस्ते। हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, हाउ यू गाइस डूइंग, होप यू गाइस डूइंग, होप यू गाइस डूइंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वेलकम टू माय चैनल। एंड तो आप देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ये देखिए नज़ारे, देखिए नज़ारे। Thank you.
ठंडा नहीं है? नहीं चुके देखो This is the tipmost of Changu Lake. इसके बाद पानी पानी है, ये तरफ जमा हुआ है। तो भैया आपने मुझे पहले ये अवतार में कभी नहीं देखा होगा, मैंने अपने मफलर को पगड़ी बना लिया क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी और कानों में हवा जा रही थी तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। तो हमने क्या किया कि अपने मफलर को घुमा घुमा के इसे पगड़ी बना लिया और अपना कानों को ढक लिया है। आफरीन ने भी कैप पहना है, स्कल कैप, तो उससे उसके कान बचे हैं, उसे ठंडी नहीं लगेगी। उसने अभी पानी में हाथ दिया था तब बोली अरे पानी में हाथ दो, पानी गर्म है, कुछ नहीं हो रहा है। जैसे पानी में से हाथ निकाली उसके बाद जो हवा चला और जो उसे करंट जैसा ठंडा लगने लगा, बोले अरे 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 ठंडा लग रहा। तो उसके बाद उसे ग्लव्स पहनाया गया और बोला कि अभी ग्लव्स एकदम नहीं खोलना जब तक तुम्हारे हाथ गर्म ना हो जाए। तो ये है चांगू लेक। तो भैया यहाँ पे याक राइडिंग भी होता है, याक के साथ आप फोटोज भी खिंचवा सकते हो, बट दिस इज एनिमल क्रुएल्टी इन माई ओपिनियन, तो मैं ये सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पे चलता है बट आई डू नॉट सपोर्ट इट, तो मैं इसीलिए इस पे राइड नहीं किया, ना ही मैं चढ़ के फोटो उठाया। आई डू नॉट सपोर्ट दिस। तो आपको क्या लगता है आप बताओ कमेंट्स में, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।